हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। जो आज का हमारा 3000+1 प्रैक्टिस प्रॉब्लम का जो आज का हमारा सेशन है वो है बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन पर। ये तुम्हारा क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है, क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है। और इससे कितने क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, देखो नीट 20 में काफी क्वेश्चन आए थे, उसके पहले अराउंड 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते थे। लेकिन नीट 20 में कितने क्वेश्चन आए थे चैप्टर से तुम्हारे, दोनों चैप्टर से मिला के 6 क्वेश्चन आए थे और चैप्टर से मिला के तुम्हारे 3 क्वेश्चन थे नीट 2020 में। इसलिए हमने चैप्टर लिया है आज प्रैक्टिस के लिए। इस पर हम बेस्ट काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और तो सबसे पहले बता दो, नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लेते हैं सबसे पहले। हेलो रघु, सबसे पहले मुझे ये बताओ क्या वॉइस और वीडियो ठीक आ रहा है, क्या वॉइस और वीडियो ठीक है, दिक्कत किसी को, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस वीडियो परफेक्ट है। चलो फिर अच्छी बात है, वॉइस वीडियो परफेक्ट है। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो सभी लोग, और जो भी ऑनलाइन है मुझे बताओ क्या मेरी आवाज तुम लोगों तक सही से पहुंच रही है, क्या तुम मेरी आवाज सही से सुन पा रहे हो, जल्दी से बताओ ये बात। इसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी पर बेस्ट, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या मेरी आवाज सही से आ रही है, जल्दी से बताया जाए ये बात मुझे जल्दी से बताया जाए, थोड़ा थोड़ा स्पीडली बताया जाए। देखते हैं जो भी ऑनलाइन है जल्दी से बताओ, हेलो राघव, हेलो रघु, क्या आवाज सही आ रही है, क्या आवाज सही आ रही है, वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या, वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या। तो देखो यहाँ पर हम क्या क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं, यहाँ पर पहले तुम मेरे बारे में सुन लो, माय सेल्फ इज विकास जाएंगे और मैं करंटली थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। और यहाँ पर देखो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो अकेडमी पर, मैं एजुकेटर भी हूँ, तुम मुझे अकेडमी पर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैं तुम्हारे टेस्ट लेता हूँ NCERT बेस्ट टेस्ट, आज रात को भी 9 बजे तुम्हारा एक टेस्ट है NCERT बेस्ट टेस्ट है। वो किसका टेस्ट है, तुम्हारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पर टेस्ट है वो। तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक कहाँ मिलेगी तुम्हें, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, हार्ट वाले चैप्टर है तुम्हारा उस पर टेस्ट है ये। वॉइस वीडियो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस वीडियो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। NCERT डिकोड सीरीज देखो तुम्हारी, तुम NCERT को डिकोड करोगे, यहाँ पर मास्टर करोगे NCERT को बोर्ड्स और नीट के लिए। यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, हर सैटरडे को होगी 2 बजे, ये फुल लेंथ टेस्ट होगा तुम्हारा। कब से स्टार्ट हो रही है ये, 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। तुम इनरोल कर लो 5 दिसंबर से। लिंक कहाँ मिलेगी, लिंक तुम्हें मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज तुम्हारी NCERT को मास्टर करने के लिए। पहला टेस्ट कब है, पहला टेस्ट तुम्हारा 5 दिसंबर, कब है 5 दिसंबर, कल ही 5 दिसंबर है, इसको 2 बजे तुम्हारा पहला टेस्ट। उसके बाद इसमें कौन कौन होंगे हमारे, एनालिसिस करेंगे कौन तुम्हारा, रोहित मैंड्रो सर, अनमोल शर्मा सर एंड अमित वाजपेयी सर एनालिसिस करेंगे तुम्हारे पेपर का। तो चलो हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्या तुम्हें क्वेश्चन वाली स्क्रीन दिख रही है सबको, जहां से क्वेश्चन है ये सबको दिख रहा है ये, जल्दी बताओ। जल्दी से बताया जाए फटाफट से, क्या तुम्हें सही से दिख रहा है स्क्रीन, हाँ या ना, बाइनरी जवाब होगा हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस, चलो करो इसका आंसर। बायोटेक्नोलॉजी डील विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकल मॉडिफाई। किस किस को मॉडिफाई किया है। वॉइस वीडियो ठीक है ना, यहाँ पर रिफ्रेश नहीं होगा, करो आंसर, ऐसे आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कैसे करना है, फर्स्ट का आंसर ऐसे करना है ABCD, अगर डी होगा तो डी करना है, ए होगा तो ए करना है, बी होगा तो बी करना है, तो ऐसे ही आंसर करना है सभी क्वेश्चंस का। क्या जाएगा इसका आंसर, वेरी गुड संजना, प्रज्वल, हेमंत, खुशी, नेहा सेन, वेरी गुड। क्या जाएगा इसका आंसर, माइक्रो फंजाई प्लांट एंड एनिमल सारे ही होते हैं ये, करेक्ट आंसर का जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट GMO, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या सब सही है, एक चीज को छोड़कर बाकी सारी चीजें सही हैं, क्या है वो, जल्दी बताओ, कमेंट में आंसर करना है। GMO के बारे में एक्सेप्ट आया है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट GMO, एक्सेप्ट, क्या करेक्ट आंसर जाएगा इसका, वेरी गुड कर दिया आंसर इसका, वेरी गुड। क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सेकंड का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, जल्दी बताओ मुझे।
क्रॉप्स को मोर टॉलरेट करना एबायोटिक स्ट्रेस के, सही बात है। दूसरा क्या है, इसको डिक्रीज करना था ना, जो हमारा रिलायंस था हम जिस पर डिपेंडेंट थे किस पर, केमिकल पेस्टिसाइड पर, इसको डिक्रीज करना था, इसीलिए ये गलत हो गया। बाकी देखो ये भी सही है और ये भी सही है, बाकी चारों सही है, ये गलत है। Which of the following is for increasing food production? इनमें से किसका इस्तेमाल किया गया है फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन? 3,000 क्वेश्चन करेंगे हम टोटल, टोटल हम 3,000 क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे काफी अच्छे अच्छे उसमें आज हमने चैप्टर लिया है बायोटेक्नोलॉजी वाला, जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है हमारा, वो वाला चैप्टर लिया है हमने। Which of the following is for increasing food production? क्या क्या है ये, एग्रोकेमिकल बेस्ट एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ट एग्रीकल्चर। करेक्ट आंसर इसका है क्या, ऑल ऑफ दी अबो। करेक्ट आंसर का क्या है, ऑल ऑफ दी अबो। क्वेश्चन नंबर 4, बीटी टॉक्सिन इज प्रोसीड बाय, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय, बीटी टॉक्सिन, बीटी को ही पकड़ लो, सही आंसर कर दोगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तुम्हें बीटी को ही ध्यान में रखना है यहाँ पर, क्या ध्यान में रखना है, बीटी, अगर तुम्हें बीटी की फुल फॉर्म आती है तो आंसर कर दोगे तुम। करो आंसर जल्दी से, करो आंसर। फटाफट से किया जाए सही आंसर, फटाफट से सही आंसर किया जाए, क्या जाएगा देखो आंसर, बेसिलस थुरिंजेंसिस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन कंट्रोल बॉल वॉर्म इन कॉटन? बॉल वॉर्म इन कॉटन कौन सा जीन कंट्रोल करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग जीन कंट्रोल बॉल वॉर्म इन कॉटन? सही आंसर करना है, गलत नहीं करना है किसी को भी आंसर, आंसर सही करना है। कर दिया है तुम लोगों ने आंसर क्या इसका, वेरी गुड वेरी गुड। 4 का आंसर, 5th का आंसर करो, क्या जाएगा आंसर 5th का, 5th का क्या जाना चाहिए आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग जीन कंट्रोल बॉल वॉर्म इन कॉटन? हमारा जाएगा इसका 1 एंड 2, क्राई एस एन, क्राई 2 AB। करेक्ट आंसर बोथ 1 एंड 2, वेरी गुड। प्रज्वल, हेमंत, नेहा, खुशी, इकरा, हेमंत, नेहा, वेरी गुड। मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल आर डिजाइन टू स्टडी हाउ जीन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजीज फॉर विच ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट? किस किस के लिए हमारे आज ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट करते हैं? देखो जब भी कोई नई दवाई बनाई जाती है, नई नई वैक्सीन बनाई जाती है, उसको पहले कहाँ पर टेस्ट किया जाता है? एनिमल पर टेस्ट किया जाता है, एनिमल टेस्टिंग होती है पहले, उसके बाद ह्यूमन में, ह्यूमन पे अप्लाई करने से पहले एनिमल पर उसकी सेफ्टी की टेस्टिंग होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, एल्जाइमर डिजीज या फिर ऑल ऑफ दी अबो, क्या लगेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या करोगे तुम लोग, क्या आंसर करोगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 का? मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल आर डिजाइन टू स्टडी हाउ जीन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग करो आंसर इसका, वेरी गुड वेरी गुड। क्या गया इसका आंसर, क्या जा रहा है इसका आंसर? वेरी गुड, ऑप्शन डी, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर डिजीज, सभी के लिए किया गया है ये, सभी के लिए से एनिमल हमने डेवलप किए हैं। और मैक्सिमम कौन है इनमें, मैक्सिमम ट्रांसजेनिक मॉडल एनिमल कौन है, कौन है? माइस, माइस है ये, कितने 95% हमारे ट्रांसजेनिक माइस है हमारे पास, जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल है उनमें से 95% हमारे पास माइस है, वेरी गुड। बीटी टॉक्सिन किल द सर्टन इंसेक्ट लाइक, किस किस इंसेक्ट को बीटी टॉक्सिन हमारा किस किस इंसेक्ट को किल करता है? याद करने वाला क्वेश्चन है, याद करने वाला, इसको तुम एमटीआर भी कर सकते हो। करो आंसर, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं, शाबाश, वेरी गुड। रिया, संजना, खुशी, हेमंत, आयुष, नेहा, संजना, वेरी गुड। बीटी टॉक्सिन किल सर्टन इंसेक्ट लाइक लेपिडोट्रैप, लेपिडोट्रियंस, कोलियोप्टेरन, डायोप्टेरन, आंसर जाएगा इसका ऑल ऑफ दी अबो। जब भी कोई नई थ्योरी आती है तुम्हें पता है कि आंसर उसका क्या जाता है, जब भी कोई नई थ्योरी रहती है तुम लोगों को पता है कि उसका आंसर क्या जाता है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ, वॉइस वीडियो में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेग कर रहा है क्या? लेग नहीं करना चाहिए। हेलो रिया, खुशी, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? चारों में से कौन इनकरेक्ट है, चारों में से कौन इनकरेक्ट है, चारों में से कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है?
अभी आज रात को है 9 बजे, आज रात को 9 बजे तुम्हारे किस चीज का टेस्ट है? 9 बजे आज रात को 9 बजे तुम्हारे है बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन का टेस्ट है, बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन का। इसका क्या जाएगा आंसर, करो जल्दी से, टाइम दे रहा हूं मैं तुम सब लोगों को। सही आंसर करना है, गलत नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ अनअकैडमी पर ही है, अनअकैडमी पर ही है, अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास में है 9 बजे। मेरी प्रोफाइल की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हो गया है ये क्वेश्चन सबसे, हो गया है, जल्दी बताओ क्या ये क्वेश्चन हो गया है? करो आंसर, करो आंसर, क्या जाएगा इसका सही आंसर? करो सही आंसर करना है, गलत नहीं करना है आंसर। खुशी, राघव, प्राज्वल, सयान, खुशी, आयुष, एक बार कमेंट करनी है, दो बार नहीं प्लीज, एक बार कमेंट करनी है, दो बार नहीं। इसका क्या आंसर है? देखो गलत क्या है, ये गलत है तुम्हारा, क्राई वन ए बी वाला गलत है, इसका आंसर ये है। बाकी तीनों सही है तुम्हारे, ये गलत है, क्राई वन वाला देखो हमने यहां पर किया है, ये रहा। बॉलवोम इन कॉटन तुम्हारा कौन करता है? 1 ACO 2 AB, 1 ACO 2 AB, यहां पर 1 AB है, कौन करता है? 1 AC and 2 AB, ये करता है तुम्हारा क्रायोजीन का नाम है, इसीलिए गलत हुआ, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हुआ। बस एक वर्ड चेंज किया है और आंसर पूरा चेंज हो गया है। फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 9 में तुम्हें, करो आंसर इसका। इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना, इनकरेक्ट मैच, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं इसका। समझ में आ गया? खुशी, राघव, हेमंत, सयान, संजना, समर, नेहा, क्वेश्चन नंबर 8 सबको समझ में आ गया था। आज इतनी क्लासें हो चुकी हैं कि गला लगभग। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच, क्राई टू एबी, अभी अभी देखा मैंने, क्राई टू एबी, कॉटन बॉलवर्म सबने देखा, ये अल्फा एंटीट्रिप्सिन, हमारी एम्फाइसेमा, स्यूडोनोमास, बायो रेमेडिएशन, बाकी सारे सही है, ये गलत है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं गया, इसीलिए ये इसका आंसर गया है। करते रहो आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर किया जाए, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे सामने। व्हाट विच कैन बी यूज एज वेक्टर फॉर ट्रांसफर डीएनए सेगमेंट, किसको हम वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं? वेरी गुड नेहा, प्रज्वल, खुशी, सयान, हेमंत, देखो एक वर्ड चेंज करते हैं क्वेश्चन चेंज हो जाता है पूरा, एक वर्ड चेंज होता है क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है। इसका आंसर करो क्या जाएगा हमारा, वेक्टर की तरह किस किस को यूज कर सकते हैं? प्लाज्मिड को कर सकते हैं, वेरी गुड। और टेंथ का करो आंसर, टेंथ का, नाइन्थ हो चुका है, टेंथ का डी आंसर, वेरी गुड खुशी। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज दोनों को हम यूज कर सकते हैं वेक्टर डीएनए की तरह। अगला क्वेश्चन, रोजी हमारे एक ट्रांसजेनिक काव है जो एक मिल्क प्रोड्यूस करती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? सारे सही है एक को छोड़ के, वही एक तुम्हें पहचानना है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में तुम्हें वही पहचानना है, बाकी सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। मैं तुम्हें यही याद करवाना चाह रहा था सारी चीजें। प्रोटीन कंटेंट कितना बता रही है, प्रोटीन कंटेंट कितना है? 2.4 ग्राम पर लीटर, सही बात है। ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्बुमिन, यह भी सही बात है। मोर बैलेंस डाइट है ये बेबीज के लिए, हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है। गलत क्या हो गया, ये तुम्हारा सेचुरेटेड मिल्क नहीं होता है, क्या होता है? अनसेचुरेटेड मिल्क होता है, नॉट सेचुरेटेड, सेचुरेटेड मिल्क अच्छा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हुए हम, क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ है हमारा, ये रहा। जेनेटिकली मॉडिफाइड आर यूजफुल, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 12, जेनेटिकली मॉडिफाइड आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, क्यों? जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट क्रॉप होती हैं वो यूजफुल क्यों होती है एग्रीकल्चर में? क्या जाएगा करेक्ट आंसर, क्या मेरा फेवरेट जाएगा, क्या ऑल ऑफ दी अबव जाएगा, क्या ऑल ऑफ दी अबव जाएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऐसे करना है, क्या डी जाएगा? नहीं नहीं, क्या लग रहा है सही आंसर तुम्हें इसका, क्या लग रहा है तुम्हें इसका सही आंसर? ऑल ऑफ दी अबव नहीं जाएगा, देखो टॉलरेट टू एबायोटिक स्ट्रेस, ये सही बात है, तो आंसर इसका ये जाएगा। देखो इंक्रीज रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टाइड, ये गलत हो गया। दीज हैव रिड्यूस्ड न्यूट्रिशन वैल्यू, नहीं, दोनों उल्टे लिख दिए हैं,
दोनों ही सेंटेंस क्या लिख दिए हैं, दोनों ही सेंटेंस अपोजिट लिख दिए हैं, इसलिए ये कभी भी आंसर नहीं जा पाएगा इसका। इसीलिए आंसर क्या गया यहाँ पर हमारा, इसीलिए आंसर क्या गया, इसीलिए आंसर गया है फर्स्ट ऑप्शन। क्या समझ में नहीं आया? देखो ये डिक्रीज होता है ना, हमें केमिकल पेस्टिसाइड पे क्या करना है, हमारी जो निर्भरता है उसे कम करना है, और न्यूट्रिशन वैल्यू को क्या करना है, इंक्रीज करना है। दोनों अपोजिट दे दिए हैं, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, प्रो इंसुलिन ऑफ ह्यूमन कंपोज्ड ऑफ, जो प्रो इंसुलिन होता है उसमें कौन कौन सी चेन होती है, ए बी सी तीनों होती है या फिर एक होती है सिर्फ, कौन कौन सी होती है? प्रो इंसुलिन की बात कर रहे हैं, प्रो इंसुलिन की, नॉट इंसुलिन की। प्रो इंसुलिन में क्या क्या होता है बताओ जल्दी। हेलो देव अंजना, प्रज्वल, हेमंत, केदार कुमार झा, वेरी गुड, बी आंसर जाएगा इसका, बी आंसर जाएगा। क्वेश्चन का नंबर लिख दोगे आगे तो काफी अच्छा रहेगा, अगर क्वेश्चन का नंबर लिख देते हो तुम आगे तो वो तो काफी अच्छा रहता है। वेरी गुड, देखो ए बी सी तीनों होता है, प्रो इंसुलिन में तुम्हारा ए बी सी तीनों होता है, लेकिन जब तुम्हारा इंसुलिन बनता है मैच्योर तो उसमें क्या होता है, ए और बी होता है। कौन सी चेन रिमूव हो जाती है हमारी, कौन सी चेन रिमूव हो जाती है, यहां से सी रिमूव हो जाती है, और ये ए और बी किससे अटैच होती है एक दूसरे से, डाई सल्फाइड बॉन्ड से, डाई सल्फर बॉन्ड होता है, डाई सल्फाइड से अटैच होती है एक दूसरे से। काफी बातें बता दी है मैंने इसके बारे में तुम्हें। द इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू, जो हमारा इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन होता है ये एक्टिव में कन्वर्ट होता है, क्यों क्यों कन्वर्ट होता है, क्या वजह होती है कि इसको कन्वर्ट होना पड़ता है। करो आंसर, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं इसका, तब तक थोड़ा पानी पी लिया जाए। आवाज बदल गई है क्या मेरी, क्या मेरी आवाज बदल गई है, क्या होता है ये बताओ जल्दी से। ए ए ए एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट, वेरी गुड, हेमंत, श्रद्धा, नेहा, आकाश, सयान, लक्ष्मी, केदार, देव, अंजना, लक्ष्मी, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हुए, एक निमेटोड है जिसका नाम है ये मेलियोडिगाइनी इनकोग्निटा, ये इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टोबेको प्लांट एंड कॉज ए ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, ए नोवल स्ट्रेटजी वॉज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन विच वॉज बेस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ, काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया पढ़ने में, लेकिन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, तुम यहां पर ही आंसर कर सकते थे इसका, यहां पर कहां पर टोबेको प्लांट, और जैसे ही तुम्हें निमेटोड का पता चलता तुम आंसर कर सकते थे इसका। क्या जाएगा आंसर, वेरी गुड, 15 का बी, वेरी गुड वेरी गुड। आरएनए आई टेक्नोलॉजी थी वो हमारी, क्या थी, वेरी गुड लक्ष्मी, श्रद्धा, हेमंत, आकाश, केदार, करते रहो आंसर। क्या जाएगा इसका, क्या जाएगा इसका आंसर, क्या जाना चाहिए आंसर इसका, आरएनए इंटरफेरेंस में क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस में, देखो हमारा एक आरएनए होता है तो हम इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड बनाकर डाल देते हैं सेल में, ऐसे बनेगा ये, तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। अब ये क्या नहीं कर पाएगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए तुम्हारा ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगी हमारे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, एक मिनट, कहां है क्वेश्चन नंबर 16, दिख रहा है सबको, ये वाला समझ में आया, आरएनए इंटरफेरेंस वाला समझ में आया सबको, ये रहा एंटीकोगुलेंट हिरुडीन इज ऑब्टेंड फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड, कहां कहां से हम एंटीकोगुलेंट हिरुडीन को ऑब्टेंड कर रहे हैं, क्या आंसर ऑल ऑफ द अबव कर दोगे इसका, क्या हर क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव जाता है, बताओ 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 16 का आंसर, कहां से मिलता है, कहां से मिलता है, क्या करोगे आंसर इसका, ऑल ऑफ द अबव करोगे क्या, हर क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं जाता है, क्या जाएगा इसका आंसर, एमटीआर भी कर सकते हो, देखते हैं। देव अंजना गलत हो तुम, नेहा सेन वेरी गुड, प्रज्वल प्रज्वल बेदी, सयान, हेमंत, सीड ऑफ ब्रेसिका नेपस, सीड ऑफ ब्रेसिका नेपस का करेक्ट आंसर है। गोल्डन राइस किसमें रिच होते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, गोल्डन राइस किसमें रिच होते हैं, करो बेहतरीन क्वेश्चन करो, आसान है और पीवाईक्यू आया है ये तुम्हारे एग्जाम में आया है कभी। ग्लुटेरिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन के किसमें एनरिच होते हैं तुम्हारे, ये एनरिच होते हैं तुम्हारे विटामिन ए में, विटामिन ए में,
सैंडी, श्रद्धा, आकाश, नेहा, केदार, देवंजना, प्रोज्वल, सयान, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज इन डायग्नोसिस ऑफ एड्स इन्फेक्शन। इन चारों में से कौन सी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे हम, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे इन चारों में से, जल्दी बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज इन द एड्स इन्फेक्शन, क्वेश्चन नंबर 18। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा दिया जाए, इस पर स्टार लगा दिया जाए, स्टार लगा दिया जाए, क्या जाएगा इसका आंसर, क्या जाएगा इसका आंसर बताओ। 18 का आंसर डी, डी कर रहे हो, वेरी गुड, डी कर रहे हो, वेरी गुड। देखो यहां पर मुझे बताओ ये वायरस क्या होता है, हमारा एचआईवी वायरस क्या होता है। देखो उसके अंदर आरएनए होगा, तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम एलाइजा तो पीसीआर यूज करेंगे, डिटेक्ट करने के लिए एलाइजा यूज करेंगे। और इसके अंदर क्या है, आरएनए है, प्रोटीन कोट है आरएनए, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी करेंगे, सदर्न ब्लॉटिंग नहीं करेंगे इसमें। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन है ये, सितारे लगा सकते हो इस पर। इली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, किस लिए फेमस है, इली लिली हमारी एक अमेरिकन कंपनी है, इसके प्रसिद्ध होने का रीजन क्या है, वजह क्या है इसके प्रसिद्ध होने की। सदन ब्लोटिंग, वेरी गुड। खुशी, दिग्विजय, केदार, प्रोज्वल, महिंद्रा, वेरी गुड। देव अंजना, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इली लिली किसके लिए फेमस है, देखो दिक्कत कहां आ रही थी, दिक्कत कहां आ रही थी हमें, दिक्कत कहां आ रही थी कि हम ना प्रो इंसुलिन तो बना ले रहे थे, लेकिन उससे हम इंसुलिन नहीं बना पा रहे थे क्योंकि हमें सी हटाना था, सी चेन हटानी थी। तो इली लिली ने क्या किया, इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने ए अलग बनाया, बी अलग बनाया, दोनों को जोड़ दिया किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। इसके लिए फेमस है इली लिली, ऑप्शन फोर। प्रिपेयरिंग टू डीएनए सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोडक्शन देम इन प्लाज्मिड इकोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन, और दोनों को जोड़ दिया फिर। तो ये काफी बड़ा एडवांसमेंट था डायबिटीज के लिए, डायबिटीज डिजीज के लिए काफी बड़ा एडवांसमेंट था ये। डी आंसर, काफी बच्चों ने डी आंसर किया, प्रज्वल, सैंडी, दिग्विजय, श्रद्धा, केदार, नेहा, आकाश। आगे बढ़ते हैं। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन के बारे में बताओ किसके ट्रीटमेंट में यूज होगा ये तुम्हारा अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन है देखो एक बात सुनो, आज रात को तुम्हारा 9 बजे, आज रात को 9 बजे क्या है तुम्हारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पर क्विज है। 90 क्वेश्चन करेंगे, रैपिड फायर है, 60 मिनट में 90 क्वेश्चन करेंगे, 60 मिनट में। मेरी प्रोफाइल की लिंक कहां मिलेगी तुम्हें, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो स्पेशल क्लास में आकर सर्च कर लेना, स्पेशल क्लास में विकास जांगिर सर्च कर लेना। 90 क्वेश्चन करेंगे, काफी अच्छे अच्छे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पर। इसका आंसर जाएगा तुम्हारा क्या, एम्फाइसेमा, ऑप्शन बी। श्रद्धा, महिंदर, केदार, दिग्विजय, देवंजना, दिग्विजय, आकाश, प्रज्वल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और यहां पर देखो तुम्हें एक इनविटेशन कोड यूज करना होगा, तुम्हें जो नए बच्चे हैं विकास जांगिर लाइव यूज करना, जैसे तुम्हारे अकेडमी पर जाओगे तुम्हें फ्री क्लास एक्सेस करने के लिए कोड यूज करना होता है। तो ये फ्री है, फ्री क्लास फ्री रहेंगी, लेकिन तुम ये कोड यूज करोगे तो तुम्हें अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएंगी फ्री क्लास की। विकास जांगिर लाइव, क्या यूज करोगे, विकास जांगिर लाइव। ओके ओके ओके, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चारों में से एक गलत स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, बाकी 3 सही है, एक गलत स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 21, बताओ बताओ क्या जाएगा 21 का, कौन कौन कर रहा है आंसर इसका, 21 का आंसर क्या जाएगा, सही आंसर करना है, गलत नहीं करना है आंसर, सभी को सही आंसर करना है। देखो यहां पर देखते हैं, मैं देखता हूं क्या जा रहा है आंसर इसका। गोल्डन राइस, विटामिन ए इनरिच, सही बात है। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट इम्फाइसेमा। ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल्क विच कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन प्रोड्यूस बाय ट्रांसजेनिक काउ, मोली नहीं, मोली नहीं थी, क्या नाम था इस काउ का, ये गलत हो गया, ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। दिग्विजय, केदार, नेहा, श्रद्धा, आकाश, दिग्विजय, वेरी गुड। क्या नाम था काउ का, कोई बता पाएगा मुझे ये, कोई बता पाएगा मुझे क्या नाम था काउ का, मोली था क्या, मोली नहीं था, ये सही है, ये भी सही है, सारे सही है, ये गलत है बस। काउ का नाम क्या था, मोली था क्या काउ का नाम,
नहीं, मोली नहीं था, रोजी था। वेरी गुड सैंडी, दिग्विजय, आकाश, रोजी था ये, रोजी था। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक वर्ड तुम्हें, इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि क्वेश्चन पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी परमानेंट क्योर ऑफ स्किड। पहले मुझे स्किड की फुल फॉर्म बताओ और परमानेंट क्योर क्या है। तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है ये, परमानेंट क्योर क्या है। परमानेंट क्योर 2.4 ग्राम प्रोटीन पर लीटर। वेरी गुड वेरी गुड। अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन रोजी प्रोड्यूस करती है। अभी इसका आंसर करना है 22 का, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर करना है। किया किसी ने आंसर इसका, किया किसी ने आंसर? ए आंसर कर रहे हो, ए नहीं। देखो बोन मेरो ट्रांसप्लांट में बार बार करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, जीन थेरेपी करेंगे सीधा। स्किड के लिए जीन थेरेपी करेंगे। स्किड में होता क्या है, स्किड में अदा की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, अदा की। अदा क्या है यहाँ पर, अदा है हमारा एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम होता है ये, इसकी कमी हो जाती है। तो इसका क्या करते हैं, इसका जीन, जो जीन ये प्रोड्यूस करता है, उसको जीन को हम कहाँ ट्रांसप्लांट करेंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे। पूरी प्रोसेस को बोलेंगे जीन थेरेपी। करेक्ट आंसर जीन थेरेपी है। सितारे लगा सकते हो इस पर, दो तीन सितारे, ज्यादा नहीं। और ये भी पूछा जाता है कि किसकी डेफिशिएंसी होती है स्किड में, स्किड हमारा है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। किसकी कमी होती है, अदा की कमी होती है, एडी ए की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 22, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए प्रोटेक्ट प्लांट फॉर्म किससे प्रोटेक्ट करता है। अभी अभी देखा है हमने सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन थोड़ी देर पहले देखा है, थोड़ी देर पहले देखा है सेम क्वेश्चन। करो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 23, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मिस्टर आकाश। निमेटोड, आर्मी वॉर्म, टोबेको, बर्ड वॉर्म या फिर बीटल्स। वेरी गुड महिंद्रा, प्रीति, श्रद्धा, सैंडी। सैंडी फोर नहीं, ए जाएगा इसका आंसर, निमेटोड है इसका आंसर। इन आर एन इंटरफेरोन वी यूज, आर एन इंटरफेरोन नहीं है, इंटरफेरेंस है। आर एन इंटरफेरेंस में जीन साइलेंसिंग के लिए क्या यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, क्या बनाते हैं हम ताकि प्रोटीन ना बने, क्या बनाते हैं ताकि प्रोटीन ना बने। करो इसका आंसर जल्दी से, आंसर करो। क्या यूज करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। क्या यूज करते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। द फर्स्ट केमिकल जीन थेरेपी वाज गिवन 1990 में दी थी पहली बार, 4 साल की एक लड़की को दी थी। किसके लिए दी थी, किसके लिए दी थी, जीन थेरेपी जिसमें परमानेंट क्योर था। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन देखा था ये। 25, 25, श्रद्धा, प्रीति, केदार, नेहा, खुशी, आकाश, प्रीति, शुक्ला, बहुत सही बहुत सही। इसका करो आंसर जल्दी से, इसका करो आंसर। अब स्केट 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 ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडी एंजाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। श्रद्धा, प्रीति ने फिर से सही आंसर दिया। एलाइजा किस पर बेस्ड है, सबको याद होना चाहिए, पूछ सकते हैं। एक तो एचआईवी के लिए करते हैं एलाइजा, पर बेस्ड किस पर है, ये प्रिंसिपल क्या है एलाइजा का, एलाइजा का प्रिंसिपल क्या है। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 26। एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, वेरी गुड प्रीति, ए आंसर है इसका। सैंडी, प्रीति, केदार, वेरी गुड। पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज फॉर, पीसीआर किस किस के लिए यूज होती है रूटीनली आजकल, आजकल पीसीआर हमारी रूटीनली किस किस के लिए यूज होती है। क्या जाएगा इसका आंसर, डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीएनए सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, डिटेक्ट मैनी जेनेटिक डिसऑर्डर, एचआईवी, सभी जान जाएगा इसका आंसर। जहां भी हमें एम्पलीफिकेशन की जरूरत पड़ेगी वहीं जाएगा आंसर इसका। वेरी गुड, देखते हैं किन किन ने सही दिया है। श्रद्धा, महिंद्रा, केदार, आकाश, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर डिफेंस मेथड इज कॉमन इन ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कौन सा मेथड है सेलुलर डिफेंस का जो सब में कॉमन है, सारे यूकेरियोट्स में कॉमन है, सारे यूकेरियोट्स में कौन सा मेथड है ये। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28,
सेलुलर डिफेंस आरएनए इंटरफेरॉन, इंटरफेरेंस कर दो इसको यहां पे, इंटरफेरॉन नहीं है ये भी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन, ए प्रो विच इज मॉलिक्यूल यूज टू लोकेट स्पेसिफिक सीक्वेंस इन अ मिक्सचर ऑफ डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल कैन बी, प्रोब यूज करना है जिसको यूज करेंगे हम लोकेट स्पेसिफिक सीक्वेंस, कौन सा प्रोब होता है ये, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करो फटाफट से, करो आंसर जल्दी से आंसर करो यार, फटाफट से आंसर किया जाए क्योंकि अभी 9 बजे फिर से क्लास है तुम्हारी, कहां पर अनअकैडमी पर है, स्पेशल क्लास है मेरी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, चलो रेड पेन यूज कर लेता हूं इसके लिए मैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पर करेंगे हम क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे काफी अच्छे अच्छे, आइदर आरएनए और डीएनए बट सिंगल स्टैंडर्ड यूज करेंगे, या तो आरएनए हो या डीएनए हो, लास्ट क्वेश्चन आज का, द प्रोसेस विच इंक्लूड सेपरेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करो, 30 का आंसर, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, हम डेली चैप्टर वाइज डीपीपी टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है आ जाना, कोड क्या यूज करोगे, इनविटेशन कोड क्या यूज करोगे, अगर अनअकैडमी पर नए हो तो इनविटेशन कोड तुम्हें फ्री कोड देखो अभी फ्री है एक्सेस करने के लिए, तुम्हें यूज करना है क्या, विकास जहांगीर लाइव, ये तुम्हें इनविटेशन कोड यूज करना है और 9 बजे वाली क्लास में आना है, इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, ये क्या हुआ, हाँ हाँ इसका आंसर क्या जाएगा, रुको एक मिनट, 30 का आंसर, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तो ठीक है फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद 9 बजे, मिलते हैं 9 बजे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पर बेस 90 क्वेश्चन इन 60 मिनट, 90 क्वेश्चन कितनी देर में, 60 मिनट में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, पढ़ते रहो सबसे ज्यादा जरूरी है।